नमस्कार देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव मंडराल। और फिल्में का दौर और फिल्म्स का दौर तो ये चल ही रहा है, और ऐसे में कई ऐसी मूवीज़ होती है जो रिकॉर्ड्स कायम करती है, और कई ऐसी मूवीज़ होती है जो कई लंबे समय तक पर्दे पे स्क्रीन पे छाई रहती है। जी हाँ, एक ऐसी ही पाकिस्तानी एनिमेशन कॉमेडी फिल्म है जो कि 30 हफ्तों तक लगातार छाई रही सिनेमा हॉल्स में, और इसका नाम है द डोंकी किंग। जी हाँ, ये डोंकी किंग जो मूवी है, एनिमेशन कॉमेडी ये फिल्म है, इसके में एक किरदार होता है गधे का। जी हाँ, उसका नाम होता है मंगू, और ये मंगू अपनी किस्मत की वजह से किंग बन जाता है, और ये पूरी मूवी इसी के ऊपर आधारित है। और इसी ही मूवी के ऊपर, इस फिल्म के ऊपर आरोप है कि ये पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का मजाक उड़ाती है फिल्म, तो ये इनके ऊपर आरोप लगा है इस मूवी पे। आपको बता दें कि ये जो द डोंकी किंग है, ये 10 अलग अलग भाषाओं में डब की गई है। जी हाँ, और लगातार ये सबसे पहले दक्षिण कोरिया में ये रिलीज़ हुई थी, उसके बाद रूस, स्पेन और अलग इसके अलावा कई 8 देशों में भी ये रिलीज़ हुई थी। और ये आपको बता दें, पाकिस्तान की सबसे पहली मूवी है जो लगातार 30 हफ्तों तक किसी सिनेमा हॉल में, लगातार 30 हफ्तों तक इसने अपनी जगह बनाए रखी, और यह सबसे ज़्यादा देश में देखी गई हुई पाकिस्तानी मूवी है। जी हाँ, और इस पर आपको बता दें कि इसके अंदर जो ये द डोंकी किंग है, इसमें एक करेक्टर है डोंकी जिसका नाम मंगू था, मंगू है, और ये मंगू जो होता है एक गधा टाइप का ही होता है। और उसके बाद ये अचानक से अपनी किस्मत की वजह से ये किंग बन जाता है, एक शहर, एक आप कह लीजिए किंगडम का किंग बन जाता है ये। उसके बाद इसको लोगों ने पाकिस्तान के इमरान खान, प्रधानमंत्री इमरान खान से जोड़ा, और उसके बाद कई वीडियोज़ इन मूवी की और इमरान खान की दोनों वीडियो कंबाइन करके एक साथ कई बार पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पे, और इस पे आरोप भी लगाए गए। आपको बता दें कि ये जो मूवी है, ये ताबी स्टूडियो और जियो फिल्म, और इसके जो निर्माता है वो है अजीज जिंदानी। जी हाँ, अजीज जिंदानी ने इसको निर्मात किया है, डायरेक्शन इसका किया है पूरा। और जब ये आरोप इस मूवी के ऊपर लगा कि ये प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के इमरान खान, उनके मजाक उड़ाती है मूवी, तो अजीज ने ये उस पर बयान दिया। ये बताया कि ये उनको जो आइडिया था, ये 2000 में इनको या 2003 में ये इनके पास आइडिया आ गया था इनके दिमाग में, और इसके ऊपर काम 2013 में शुरू हुआ, 2018 में इसको लॉन्च किया गया। 2013 में जब अगर ये मूवी का काम शुरू हो गया तो उस टाइम इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं थे, तो ये कैसे उनके ऊपर बन सकती है मूवी। तो ये थी पाकिस्तान की सबसे पहली मूवी जो लगातार देश में सबसे ज़्यादा देखी गई। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।